बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आप सब ने अपना इंग्लिश का वर्क पूरा कर लिया है। वेरी गुड। अब टाइम आता है हमारी आज की हिंदी की कक्षा का, और आज हम हिंदी में क्या करेंगे, कुछ कविताओं का गायन करेंगे। और हम कविताएं कैसे गाते हैं, झूमते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, इजंट इट। तो आइए देखते हैं आज हमारी कविताओं में कौन कौन सी कविताएं शामिल हो रही हैं, किन किन कविताओं को हम गाने वाले हैं। तो हमारी पहली कविता है हाथी राजा बहुत बड़े। दूसरी कविता चिड़िया बोली गुड गुड गुड। अगली तोता हूँ मैं तोता हूँ। और लास्ट में बंदर पेड़ पे बैठा है। तो आज इसका मतलब हम कुछ जानवर यानी एनिमल्स की तरह बनने वाले हैं। तो पहला एनिमल जानवर कौन है, हाथी। तो सभी हाथी की तरह बन के दिखाएं। सब लोग एक नाक बनाएं, लंबी सी सूंड बनाएं। तो बनाइए हाथी की तरह, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिला कर कहां चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर मटर। फिर से बोलेंगे, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहां चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर मटर। तो सभी हाथी की तरह सूंड निकाल के इस पोएम को गाएंगे, तभी मजा आएगा। समझ गए। चलिए अगली पोएम है चिड़िया बोली गुड गुड गुड। तो चिड़िया की चोंच बनाइए, चिड़िया बोली गुड गुड गुड, मुझको दे दो दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर फिर सो जाऊंगी, दूध मलाई रखी है पर इसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं कैसे खाऊं, मैं तो भूखी ही सो जाऊं। देखो जब आपको भूख लगती है तो आपको लगता है मम्मा बिस्किट दे दो, चिप्स दे दो, कुछ भी दे दो। तो चिड़िया बोल रही है दो बिस्किट तो दे दो खाने को, लेकिन नहीं मिले। हाँ दूध मलाई तो रखी है, लेकिन वो भी नहीं खा सकती क्योंकि उसमें मक्खी गिर गई। चलिए फिर से कहते हैं, चिड़िया बोली कट कट कट, मुझको दे दो दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर फिर सो जाऊंगी, दूध मलाई रखी है पर इसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं कैसे खाऊं, मैं तो भूखी ही सो जाऊं। अब हमारी अगली पोएम कौन सी है, तोता हूँ मैं तोता हूँ। तोता कौन से रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और उसकी चोंच कैसी होती है, लाल। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, मस्त मेरी चाल है, बागों में मैं रहता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ। आपने देखा है ना तोता फ्रूट्स खाता है, तभी तो तोता इतना हेल्दी होता है। फिर से बोलते हैं, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, मस्त मेरी चाल है, बागों में मैं रहता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ। और लास्ट बंदर। बंदर कैसे करता है, बंदर पेड़ पे बैठा
बंदर नाच नाच नाच, बंदर कूद कूद कूद। फिर से बोलेंगे, बंदर कहाँ बैठता है? पेड़ पे, क्योंकि वो वहीं रहता है। अब क्या हुआ, बंदर पेड़ पे बैठा है। क्या बंदर तू भूखा है? रोटी खा पानी पी। ओ बंदर कूद कूद कूद, बंदर नाच नाच नाच। अब जब पेट भर जाता है तो बड़ा मजा आता है, हम कितने खेलते भी हैं, मजा भी करते हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो मन नहीं करता ना। तो इसीलिए बंदर को बोला, रोटी खा पानी पी। बंदर कूद कूद कूद, बंदर नाच नाच नाच। तो अब आपको क्या करना है, आज ये चारों कविताएं आपको याद करनी है और इनको मम्मी को पापा को सुनाना है। ये चारों कविताएं कहाँ है? आपकी जो पोयम वाली बुक है उसमें पेज नंबर 23 पे, एक ही पेज पे दी, ठीक है? तो अब आपका क्या काम है, मम्मी को एलिफेंट बन के दिखाना है, बर्ड बन के दिखाना है, बंदर बन के दिखाना है, ठीक है? एनिमल्स की तरह बताना है कि कौन सा एनिमल कैसे करता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर पोएम्स। लर्न देम, रिसाइट देम। बाय फॉर नाउ।